गाइस वेलकम टू माय चैनल आरसीदास किचन। आप सब लोग कैसे, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दही डालकर जैक फ्रूट का सब्जी। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, 1 किलो साइज़ का जैक फ्रूट जिसे इस तरह से हम लोग काट लिए हैं, 3 बड़े साइज का प्याज जिसे हम पेस्ट करेंगे, 2 छोटे टमाटर, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, 200 खट्टा दही घर में जमाया हुआ जिसे हम फेंट लिए हैं, गरम मसाला पाउडर। अब जैक फ्रूट को प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। इसे ढक्कन लगा देते हैं और इसे बॉईल होने देते हैं। तब तक हम लोग प्याज का पेस्ट बना लेते हैं मिक्सी में डालकर। ओवन में कढ़ाई बैठा दिए हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों तेल ले लेते हैं और गरम कर लेंगे। तेल में दालचीनी तोड़ के डाल देते हैं। लौंग डाल देंगे 4 पीस और छोटी इलायची डाल देंगे 4 पीस। तेजपत्ता डाल देंगे। फोरन डालने से अच्छा सुगंध आ रहा है। अब इसे स्लाइस किया हुआ प्याज डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। प्याज को भून कर ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। प्याज का पेस्ट डाल देंगे, सभी को मिक्स कर लेंगे। प्याज भून चुका है, अब इसको टमाटर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब नमक डाल देंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी से गल जाए। प्याज और टमाटर को भून लिए हैं, अब इसमें सूखा मसाला डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, मिर्च पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और जीरा पाउडर डाल देंगे। सभी को मिक्स कर लेंगे और मसाला को अच्छी तरह से कसेंगे। देखिए मसाला भून चुका है और मसाला तेल छोड़ चुका है। अब ओवन का आंच बंद करके इसमें दही हम फेंट लेंगे। फेंटा हुआ दही को डाल देंगे। और सभी को मिक्स कर लेंगे। अब ओवन चालू कर लेते हैं हम। दोस्तों ओवन बंद करके ही दें दही को, नहीं तो दही फटने का डर रहता है। अब दही डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए मसाला भून चुका है और जैक फ्रूट भी उबल चुका है। अब जैक फ्रूट मसाला में डाल देते हैं। और सभी को मिक्स कर लेते हैं। देखिए सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और कस लेंगे। अब इसमें पानी ऐड कर लेते हैं, मिला लेंगे पानी को। और पानी लगेगा, और पानी थोड़ा डाल देंगे। अब सब्जी को ढककर 5 मिनट उबाल लेंगे। सब्जी को चेक कर लेते हैं।
सब्जी पक चुका है देखिए, अब इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे। और थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे। सभी को मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी खाने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आप लोग ज़रूर एक बार घर में बनाएंगे तभी इसका टेस्ट जान पाएंगे। देखिए सब्जी बनके तैयार हो गया है, अभी इसे नीचे उतार लेते हैं। देखिए मेरा जैकफ्रूट का सब्जी बनकर तैयार हो गया है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ये देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। देखिए आप इसे जरूर एक बार घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट पर बताएं आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, इस तरह नए नए रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।